नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है मार्च का, तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसा रहा रिजल्ट, क्या क्या मेन चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे, और साथ ही साथ यस बैंक का प्राइस अचानक से क्यों शूट अप हुआ और वापस से गिर गया, और क्या करना चाहिए इसमें, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आखिरी में हम वीडियो के समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहली जानकारी, क्या UPI पे 1 अप्रैल से जो 2000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने पे चार्ज लग रहा था वो मेरा कटा कि नहीं कटा, या आपका भी कटेगा कि नहीं कटेगा चार्ज, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, और साथ ही साथ कुछ शेयर एनालिसिस हमने करे हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन और सारी प्लेलिस्ट हम यहाँ पर अटैच कर देंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, जो कि आपने ऑलरेडी न्यूज़ भी देखी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने नहीं कवर किया था और हमने कई सारी यस बैंक की वीडियोस भी बनाई हैं जिसपे हमें काफ़ी प्यार मिला है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर 31 मार्च 2023 का जो क्वार्टर एंड है उसका रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पर यस बैंक में काफ़ी ग्रोथ भी देखने को मिली है। जैसे अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ, यस बैंक रिपोर्टेड ग्रोथ इन लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम 1,91,542 करोड़ इन द पीरियड एंडेड December 31, 2022 टू 2,01,523 करोड़ इन द पीरियड एंडेड March 31, 2023। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हम बात करें तो 5.2% लोन एंड एडवांसेस ग्रू हुए हैं, और ये चीज़ 11.3% ग्रू हुई है, या फिर यू कह लीजिए बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कंपैरिजन करते हैं, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिली है। और जैसे ही ये चीज़ निकल के आई वैसे ही यहाँ पर यस बैंक का प्राइस थोड़ा सा अप होते हुए देखा, 15 रुपये 50 पैसे 60 90 पैसे तक गया, लेकिन फिर वापस से हल्का फुल्का नीचे आने लग गया, और अभी कहीं ना कहीं उसी प्राइस में ट्रिगर हो रहा है और ट्रेड कर रहा है 15 रुपये के जोन पे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक की 52-वीक हाई से, तो जो कि अभी कुछ समय पहले बना था 24 रुपये 75 पैसे 14 दिसंबर 2022 को बना था, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो लगभग 40% का डिक्लाइन हो चुका हुआ है, और खाली इस ईयर की बात करें तो अब तक लगभग 20% तक का यस बैंक के प्राइस में डिक्लाइन हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है लॉक इन पीरियड भी खत्म हुआ और एक दो निगेटिव न्यूज़ आई बीच में, उसके वजह से कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी देखने को मिला है। इसके अलावा डिपॉजिट की बात करते हैं बैंक की, तो वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लगभग 2.1% इंक्रीज़ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ तो लगभग 10.6% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नॉर्मलाइज एडवांस ग्रोथ फॉर ARC ट्रांजेक्शन एट 5.1% एंड 13.9% एंड 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन डिपॉजिट, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि वो भी यहाँ पर यस बैंक का कुछ हद तक बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसकी अगर हम बात करें कहाँ पर है वो है 92.4% 89.7% एंड 91.8%। साथ ही साथ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की मैं बात करूँ तो वो 126.3% एंड 123.3% एंड 125.7% तक रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैंक के एसेट क्वालिटी की, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर ARC के ट्रांसफ़र के बाद कहीं ना कहीं NPA और ग्रॉस NPA वो यहाँ पर बैंक का कम होते हुए देखने को मिला है। तो ये था कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या चीज़ें रही हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो तुरंत एट ऑफ सडन बहुत ज़्यादा अच्छा भी रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए, और ना कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही कि बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी जिस प्राइस पे वहाँ पर कुछ दिनों तक ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ पर इस प्राइस पे मैं बाइंग की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास कई बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है बाइंग के लिए, लेकिन हाँ जिन्होंने अगर होल्ड करके रखा हुआ था लंबे टाइम से, और लास्ट टाइम जब ये 52-वीक हाई तक गया था 24 रुपीज़ तक आपने नहीं सेल करा किसी भी रीज़न से, तो अभी भी मैं यहाँ पर सेल की भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, यही कहूँगा कि आप कुछ महीने और होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले, उसके बाद ही आप एग्जिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना आता है, तो कमेंट करके